Hello students, it is your English class. Today we will read our first poem in literature book. Poem's title is He is Called Dad. He is Called Dad, written by Amit Ram Rakhiani. Amit Ram Rakhiani is a poet of the poem He is Called Dad. This poem is about डैड. ये जो पोयम आज हम रीड करने वाले हैं, ये पोयम हमारे डैड के बारे में है. डैड वेरी स्पेशल पर्सन होते हैं हमारी लाइफ में, जो कि हमारी ऑल डिजायर्स फुलफिल करते हैं. जो कि हम कुछ भी उनसे मांग लेते हैं तो वो हमारी डिजायर्स फुलफिल करते हैं, हमें सब कुछ ला कर देते हैं. लेट्स रीड द पोयम. ही नेवर लुक्ड फॉर प्रेजेस. He was never the one to boast. He just went on quietly working for the ones he loved the most. Means he never looked for praises. Praises means to appreciate. Appreciate means जब हम किसी की बढ़ाई करते हैं तो उसको बोलते हैं praise करना. Praise means he never. यहाँ पर जब भी he लिखा हुआ है तो आप समझ जाना कि he dad के लिए use हुआ है. He never looked for praise. कभी भी dad praise के लिए नहीं बोलते हैं, या वो कभी भी appreciation के लिए नहीं बोलते हैं. Means वो कभी भी कोई भी काम करने पर appreciation नहीं मांगते हैं, या उन्हें कोई praise नहीं चाहिए होती है. He was never the one to boast. वो कभी भी boast नहीं करते हैं. Boast means आप जब भी कोई काम करते हैं, आप किसी अपनों के लिए कुछ अच्छे work करते हो तो उसको continuously उसके बारे में talk करते हो तो वो बात अच्छी नहीं होती है. Too much pride कहलाती है वो. Pride means, boast means किसी भी कार्य के लिए आप बार बार कॉन्टिन्यूसली उसके बारे में टॉक करके बताते हो तो वो गलत होता है. तो डैड कभी भी बॉस्ट नहीं करते हैं, मीन्स बार बार अपनी बढ़ाई नहीं करते हैं, अपनी वर्क को बार बार शो नहीं करते हैं. ही जस्ट वेंट ऑन क्वाइटली वर्किंग मीन्स डैड हमेशा क्वाइटली मीन्स साइलेंटली वर्क करते रहते हैं अपनों के लिए. डैड हमेशा क्वाइटली वही काम करते जाते हैं जो वो अपनों, जो उनके प्यारे होते हैं उनके लिए उनको अच्छा लगता है, वही काम वो साइलेंटली करते जाते हैं. फॉर द वंस ही लव्ड द मोस्ट. जो भी लव्ड वन होते हैं उनके, जो उनको मोस्ट बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं, उनके लिए वो साइलेंटली वही वर्क करते रहते हैं. Remaining part of this poem we will do in the next part.